कांग्रेस के संपर्क में आए इमरती देवी, प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में मची भगदड़ के बीच सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सवाल पूछने पर लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने कहा, मुझे कोई ऑफर दे नहीं सकता, कांग्रेस की तरफ से अगर ऑफर आएगा भी तो वो सिंधिया जी के पास आएगा। इमरती देवी ने साफ इनकार किया कि मुझे कांग्रेस की तरफ से उनको कोई ऑफर दे ही नहीं सकता, पार्टी में घर वापसी का अगर ऑफर आएगा भी तो वे महाराज के पास आएगा। आपको बताते चले इसी के साथ कि इमरती देवी डाबरा को जिला बनाने की मांग को लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। इस मौके पर जब उन्होंने पूछा गया उनसे कि कमलनाथ तो हनुमान भक्त हैं, तो इमरती देवी बोले कि अगर वह हनुमान भक्त होते तो उनकी सरकार नहीं गिर जाती। बता दें कि इमरती देवी ने दो दिन पहले नारी सम्मान योजना के लॉन्च को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वे नारी का क्या सम्मान करेंगे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में कई नेताओं ने बागी रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस के कई नेता तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सिंधिया समर्थक भी उनके संपर्क में है। हालांकि सिंधिया समर्थक किसी नेता ने अभी तक पार्टी विरोधी कोई बयान नहीं दिया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।